ये अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है और ये पहली बार नहीं है। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और हमने इस पे सवाल उठाए थे और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी दो बार है। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था, वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर उसको लेकर के जवाब हमने दिया था और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, प्रवक्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्था IIT बॉम्बे, IIT रुड़की एवं NIT पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो IIT रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी जब हम नेता विरोधी दल थे तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो स्ट्रक्चरल हो सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाए। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पत्र निर्माण विभाग की जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और IIT रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। IIT रुड़की का ये रिपोर्ट है पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के, इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें ऑन द 30th of April 2022 ड्यूरिंग अ रिपोर्टेड थंडर स्टॉर्म एंड अंडर विंडी कंडीशन, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा और IIT रुड़की वॉज अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट टू ट्राई टू कम अप विद टेक्निकल रीजन फॉर दिस इंसिडेंट। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन, आप समझ रहे कि IIT रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेज एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फाइनल सिस्टम एंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस दिस वुड बी अ थ्रू डिजाइन चेक ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर ड्यू डिलीजेंस हैज बीन डन इन दिस एरिया। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन था खासतौर पर जितने सेगमेंट थे सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा और हमने यहाँ जवाब में भी दो बड़ा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और पियर नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिजाइन में फॉल्ट, उसने काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो है तोड़े गए
और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़ करके। नीतीश कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को तो थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं, इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है।